देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स गिवेन है हमको एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी। तो एक्स इक्वल टू यदि मैं ए पुट करता हूँ तो वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ए माइनस बी ए माइनस डी। तो ये कैसे, ए माइनस बी ए माइनस डी दोनों नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होगा तो वैल्यू होगी पॉजिटिव। बी पर वैल्यू निकालता हूँ तो ये आएगा बी माइनस ए बी माइनस सी, दैट इज बी माइनस ए होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, तो वैल्यू कैसे आएगी नेगेटिव। सी पर वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 2 टाइम्स सी माइनस बी सी माइनस डी, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव। डी पर वैल्यू निकालता हूँ तो डी माइनस ए इंटू डी माइनस बी, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब इनको मैं लोकेट करता हूँ, ये है इस तरह से, ए पर वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है, बी पर वैल्यू कैसी है नेगेटिव, सी पर वैल्यू कैसी है नेगेटिव, डी पर वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इसके रियल रूट हैं और दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, और एक रूट ए और बी के बीच में, दूसरा रूट सी और डी के बीच में है।